के लिए अच्छी व्यवस्था होनी जरूरी है। केंद्र सरकार की नीति 2020 के अनुसार बाजार में कोयले की खुली बिक्री के लिए कंपनियों को कोयला कोटा मंजूरी दी, इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिजली कटौती कम होगी, राज्य को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, इससे पिछड़े क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। जैसे मंत्री जी ने कहा, मुझे पहले भी कहा था कि ओडिशा का उदाहरण उन्होंने दिया था, जैसे 5,000 करोड़ की राशि मिलती थी, अभी 50,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी देन है, ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये पैसे जो है ये राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम आएंगे। और इसलिए मैं दादा भुसी जी को कह रहा था कि अभी जैसे मैं कहा, उन्होंने इसमें जैसे हमारे पास आयरन ओर है, कोयला है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, बहुत कुछ है, वही तो मैं बोल रहा था, ऐसा मजाक किया मैं, अरे इसमें तो गोल्ड भी निकलता है। और आपके ऑफिसर जी ने कहा कि 2 ब्लॉक में गोल्ड है, तो ये हमारे मंत्री खुश नसीब है ये भी, और वो हमारे महाराष्ट्र के दूसरे राज्य मंत्री कि उनके कार्यकाल में अगर गोल्ड निकलता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही फक्र की बात होगी। मैंने जब पिछली सरकार में मैं था तो गढ़चिरौली का मैं गार्जियन मिनिस्टर था, और वहां पर सुरजागढ़ है, सुरजागढ़ में माइनिंग है, लेकिन वहां माइनिंग शुरू ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा भाई, मैं वहां पर इतनी विपुल खनिज संपत्ति है तो हम शुरू करते हैं क्यों नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ प्रॉब्लम सुना रहे थे, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, हमें शुरू करना है। और मंत्री जी आपको मैं बताऊंगा कि वहां पर अभी माइनिंग शुरू है, 5 से 10 हजार लोग वहां काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत ही दर्जेदार जो है आयरन ओर जो है वहां डिपॉजिट है, और वहां देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हम लोग खड़ा कर सकते हैं।